बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हूँ। भाई आज आपके भाई ने जॉब की कर ली है छुट्टी। छुट्टी क्यों करी? मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ मनोड़ा बीच पे। तो पहले कभी मनोड़ा बीच गया नहीं और आज मुझे यानी कि घर वालों ने बोला नहीं भाई आज छुट्टी करनी है, आज हमारे साथ चलना है। तो आज आपका भाई जाएगा फैमिली के साथ मनोड़ा बीच। तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ मनोड़ा। मनोड़ा बीच का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मनोड़ा बीच एक नई अपडेट वगैरह हुई है। मैंने कहा चलो फिर मैं भी कुछ वहाँ पर देख लें और फिर ब्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो अभी मैं किमाड़ी में खड़ा हूँ, किमाड़ी में लंच का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर लंच आती है और यहाँ से बैठ के हम मनोड़ा जाएंगे। भाई तो ये मेरा शिप आ गया, ये देखें, इसी का वेट कर रहा था मैंने, इसी में जाना है। मैंने कहा छोटी शिप में तो वैसे ही बैठ जाता बंदा क्योंकि वो प्राइवेट होता है, क्यों ना इस पर बैठा जाए। देख रहे हैं आप कितना बड़ा शिप है ये, तो इस पर भी हम बैठेंगे। इस पर बैठ के हम मनोड़ा जाएंगे। अभी हम किमाड़ी में खड़े हैं, तो देखते हैं अब हमारा नंबर कब आता है। तो भाई अभी अपनी सीट पर बैठ गए। ये अच्छा, इसमें सबसे अच्छा ये है कि खवातीन का आगे है और जेंट्स पीछे हैं, तो इसमें ज़्यादा मसले वसायल नहीं होते। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी। और लंच ये देखें, इधर मेरी बकाया फैमिली है और इसके पीछे ये विंडो एरिया है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा आज मेरी छुट्टी ज़ाया नहीं गई, आज अपनी फैमिली के साथ आ तो गया हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद आया हूँ। एक टाइम हुआ करता था जब मुझे होशो आवाज़ ने जब आया था मम्मी अबू लेके आए थे। अब ये कि देखते हैं यहाँ पर आगे क्या चेंजिंग हुई है। बाकी ये बोर्ड मुझे बहुत अच्छी लगी, तो अगर आप लोग आए हैं तो इस बोर्ड पर ज़रूर बैठें क्योंकि ये गवर्नमेंट की बोर्ड है। प्राइवेट बोर्ड में तो बंदा छोटी मोटी बोर्ड है, देख रहे हैं आप लांचे जैसे चल रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी बोर्ड है। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े जहाज़ खड़े हैं यहाँ पर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसी शिप में सारा बाहर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। बाकी मैं यार मज़ा आ रहा है। फाइनली हमारा शिप पहुँच गया अपनी मंजिल पर। हम आ गए किमाड़ी से मनोड़ा, तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। वैसे तो यहाँ पे बड़ा इन्होंने डराया था कि भाई यहाँ पर आप बना रहे हो ब्लॉग तो अपनी ज़िम्मेदारी में बनाना, यहाँ की नेवी बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो भाई हमने कहा कि हम खुद पाकिस्तानी और ये कराची का ये बीच है, तो मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, मुझे क्यों मना करेगी नेवी, और मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कितने ब्लॉगर आते हैं, ब्लॉग शूट करके जाते हैं। तो अब चलें, फिर चलते हैं, बातें तो वो होती रहेंगी। वही बोर्ड का सफ़र तो देखते देखते आखिरकार गुजर ही गया। फिर आपके भाई ने मैं किटिंग वाला चश्मा पहन लूँ, ये सब कुछ बिल्कुल लाल लाल हो गया। और अच्छा है, धूप का असर नहीं पड़ता आँखों में, नहीं लगती धूप। तो अभी चलते हैं, अब देख रहे हैं पैर जहाँ तक लेके जाएँ वहाँ चल लें। और शिप आपने देखा मेरा कितना बड़ा शिप था। इस शिप में आप लोग भी आएँ और इस पर सफ़र करें। प्राइवेट तो बहुत आम होती हैं, छोटी छोटी सी बोटें बनाई हुई हैं, उस पर लोग चल रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि ये वाले जो शिप है ना, मज़ा ही कुछ और है, आप इस पर सफ़र ज़रूर करना। तो भाई चलते चलते आखिर फिर पता चला कि भाई मंजिल तो अभी बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमने कहा कि रिक्शा कर लें, अब टांगे जवाब दे गई हैं, टांगे ज़्यादा चलने की काबिल नहीं है, तो रिक्शे में बैठते हैं। यहाँ पर रिक्शे की तादाद तो इतनी है नहीं, दो तीन रिक्शे खड़े हुए थे। मतलब क्या रिक्शे की तादाद कम है तो फिर उनके मुताबिक के पैसे देने पड़ेंगे। तो देखते ही देखते रिक्शे का सफ़र भी आखिरकार पार हो गया और फिर हम पहुँचे मनोड़ा बीच पे। तो भाई फाइनली पहुँच गए मनोड़ा बीच के गेट पर। अब यहाँ से अंदर जाएंगे, अब देखना पड़ेगा कि इससे आगे भी कितना चलना पड़ेगा क्योंकि चल चल के तो टांगे थक गए, थोड़ा सा रिक्शे का सफ़र था। रिक्शे में आ गए, अब यहाँ से देखते हैं कि क्या सफ़र है। भाई यहाँ पर पहुँच के मैंने एक चीज़ का नोटिस किया कि हम बचपन में एक फिल्म देखते थे भूत अंकल, तो उसमें लाइट हाउस का बड़ा मेन किरदार था उस फ्लैट का ना, जो लाइट रात में यानी कि जलती थी और लोग डरते थे। तो वो मैंने आज अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख लिया, तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि वो रहा लाइट हाउस। तो भाई खाना खा लिया, अभी खाना खाते हुए वीडियो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि एक बात याद आ गई थी मेरे जिशान भाई की कि वीडियो खाना खाते हुए वीडियो बना के इखलाक से गिरी भी हरकत ना करो। तो खाना भरपूर खा लिया, अब चलते हैं पानी की तरफ क्योंकि जब पानी साहिल समंदर पर आए और फिर पैर गीले ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलते हैं फिर। नीचे आ गया और नीचे आया तो फिर याद आया कि ये हर जगह जो डस्टबिन रखा हुआ है, ये डस्टबिन इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हमने कचरा
सिर्फ डस्टबिन में डालना है, क्योंकि अगर हम इस जगह को साफ़ नहीं रखेंगे तो ये जगह साफ़ नहीं रहेगी। और बहुत से लोगों का क्या है, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, कि हम लोग जहाँ कुछ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। देखें, सफाई निफ्स ईमान है, अगर हम अपनी चीज़ को साफ़ रखेंगे तो हमारी चीज़ साफ़ ही रहेगी, और ये हमारी चीज़ है, इसका सफाई का ख्याल हमने खुद ही रखना है। तो डस्टबिन बोल दे यूज़ मी, मुझे यूज़ करो, तो हमने इसको यूज़ करना है। तो भाई, बताया था आपको कि मैंने आज छुट्टी करी है, तो छुट्टी मेरी ज़ाया नहीं गई, मैं यहाँ पर आया हूँ, और माशाल्लाह से मैं यहाँ पर देख के मेरा दिल जो इतना खुशगवार हुआ है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरी फैमिली साथ आई, खाना वगैरह खा लिया। मैंने कहा थोड़ी पानी में चहलकदमी हो जाए, क्योंकि पानी अगर डिप ना हो समंदर के साइड में आके तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो पानी पिकनिक में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे थी, और पिकनिक यानी कि काफ़ी दिनों के बाद हमारी पिकनिक हो रही थी, और बड़ा सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर आपके भाई के अंदर काटा सुलेमानी, फिर आपका भाई को बोला कि भाई अपने यार हमें हॉर्स राइडिंग करनी है, क्योंकि मुझे भी अर्तगल गाजी की तरह एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाना है जो शशके वाला होना चाहिए। हमने कहा कि चलो भाई फिर बनाते हैं अर्तगल गाजी वाली वीडियो। तो भाई पहली मरतबा जब मैं घोड़े में बैठा, आपके भाई ने घोड़े में बिल्कुल काबू पा लिया। देखें दवा तो गापू पा लिया, घोड़ा भी बिल्कुल दमदार भागने लगा। उसामा बिल्कुल यार ये क्या हो रहा, बिल्कुल मैं तो चैंपियन बन गया। सब कुछ होने के बाद आखिरी में एक चीज़ बड़े बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, वो ये हुआ कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, और ये आपके भाई को बिल्कुल दम पागल हो गया, एक शैतान आ गया कि भाई यार वीडियो अभी की अभी रिकॉर्ड दोबारा कर। आपके भाई ने दोबारा घोड़े वाले से बात करी, उसको दोबारा यानी कि बार्गेनिंग करके कम रेट में लेके आया, और दोबारा आपका भाई बैठा। लेकिन हुआ क्या, चले वहाँ से मुझे ये नसीहत मिली कि भाई बिला वजह किसी को उंगली नहीं करनी। घोड़ा चल रहा था अच्छी खासी, पहली वीडियो बन गई थी, क्या ज़रूरत थी दोबारा जाने की। लेकिन आपके भाई के अंदर बोला ना शैतान आ गया था, शैतान आया तो ऐसी जगह दर्द दिया, जहाँ बैठ रहा हूँ वहाँ तकलीफ़ हो रही, जहाँ बैठ रहा हूँ फिर वहाँ याद आ रहा घोड़ा, आखिर में क्यों मेरे साथ ही क्यों, सब लोग देख रहे थे आपके भाई को, यार बहुत बुरा हुआ। आगे चलते हैं, और ये बच्चों का प्ले एरिया ताकि बच्चा पार्टी बोर ना हो। भाई ये था हमारा एक छोटा सा पिकनिक का व्लॉग, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।